नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या रहे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह बंगाल कंपनी ने भारत विजय करने के बाद क्या प्रभाव छोड़े और किस तरह के नई आर्थिक और राजनीतिक और किसी प्रकार की नई सांस्कृतिक व्यवस्था को लागू किया। कह सकते हैं कि वह जो पुराने वीडियो में बताए गए कारण है वह भी 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण रहे हैं। इसके अलावा भी हम 1857 के विद्रोह के कारणों को राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारणों में विभाजित कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम 1857 के विद्रोह के कारण क्या रहे। सबसे पहले आता है राजनीतिक कारण। वेले जले की सहायक संधि 1798। 1798 में लॉर्ड वेले जले ने एक सहायक संधि की शुरुआत की। वॉरन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड वेले जले बंगाल गवर्नर जनरल बन के आए। वॉरन हेस्टिंग के शासनकाल में अधिकतर कंपनी ने भारत विजय कर लिया था। अधिकतर क्षेत्रों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में स्थापित खड़ा कर दिया था। वॉरन हेस्टिंग ने इनके वेले जले ने उन जो राज्य क्षेत्र थे लॉर्ड वेले जले था उन्होंने विजित राज्य क्षेत्रों में और जो उनके अधिकतर क्षेत्रों में स्थापित छोटे छोटे राज्य उन्हें अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए सहायक संधि की स्थापना की, जिसके तहत हम पहले वीडियो में जान चुके सहायक संधि के द्वारा सर्वप्रथम उस राज्य में अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी रखी जाती है। उस टुकड़े को केवल यह अधिकार दिया जाता है कि आप वहाँ के राज्य को आक्रमण से बचाइए और धीरे धीरे वह सैन्य टुकड़ी पूरे राज्य पर हस्तक्षेप कर लेती है, पूरे राज्य पर अधिकार कर लेती है और अधिकतर राज्यों का विलय कर लिया जाता है। इसी के साथ आगे दी गई है डलहौजी की घोषणा 1849। लॉर्ड डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उसने 1849 में घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है अभी कहाँ रहते हैं, दिल्ली के लाल किले में। जो लाल किले में रहते हैं वो अपना उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होंगे वो शहजादे बादशाह नहीं कहेंगे बल्कि केवल शहजादे रहेंगे। ये लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी और वह लाल किले में भी नहीं रहेंगे बल्कि कुतुब मीनार बनी हुई है वहां जाकर अपना छोटा सा अपने सिंहासन पर अपने वही शासन चलाएंगे। उसे किसी प्रकार के शहजादों को किसी प्रकार के मुगल क्षेत्र में जो क्षेत्र है उस पर किसी प्रकार का आधिपत्य या अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस घोषणा के कारण भी 1849 की जो लॉर्ड डलहौजी की घोषणा थी, इस घोषणा ने भी जो 1857 का विद्रोह था इसमें उत्पन्न करने में, इसे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जो भारत की जनता थी वो मुगल बादशाह को अपना मुख्यतः संरक्षक मानती थी। उनका मानना था कि जब तक मुगल बादशाह सुरक्षित है तब तक हम सुरक्षित है। पर लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में घोषणा कर दी कि मुगल बादशाह की जो पदवी समाप्त कर दी जाएगा, केवल शहजादे रहेंगे और उन्हें भी लाल किले की जगह कुतुब मीनार में रहना होगा। इस घोषणा से जो वहाँ की जो जनता थी, मुगल क्षेत्र में आने वाली जितनी भी जनता थी वह सभी बहुत ही कंपनी के शासन से घृणा करने लगी और मौका देखने लगी क्या हमें जब भी मौका मिलेगा तब हम इस कंपनी के खिलाफ खड़े होंगे, जिसका ही वो इंतजार कर रही थी और यह मौका उन्हें 1857 की क्रांति में मिलता है। लॉर्ड डलहौजी की ये व्यक्तिगत सिद्धांत का हम पूरे तरह के विवरण पुराने वीडियो में देख चुके हैं कंपनी के भारत विजय के प्रभाव में। अब हम यहाँ केवल व्यक्तिगत सिद्धांत कितना ही व्याख्या करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने यह व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसके तहत उन्होंने घोषणा की थी कि जिसके दत्तक पुत्र हैं, जिन राज्यों के दत्तक पुत्र होंगे, राजाओं के दत्तक पुत्र होंगे, उस राज्यों को वहाँ उसे अधिकार नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी प्रकार से उन्हें कोई राज्य का वंशज माना जाएगा। इसके तहत वहाँ की व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर उस राज्य को हड़प लिया जाएगा और उसे अपने ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया जाएगा। इमाम कमीशन। डलहौजी के समय ही इमाम कमीशन आया। इमाम कमीशन ने दक्कन अर्थात इस क्षेत्र में लागू हुआ। इमाम कमीशन इस क्षेत्र में लागू हुआ दक्कन में।
इसने इमाम कंसन ने घोषणा की कि दक्कन क्षेत्र में आने वाले सारे रैयत, सारे ताल्लुकदार, सारे रैयत हो, चाहे चाहे वो किसान हो, ताल्लुकदार हो या फिर जमींदार हो, कोई भी, उसके सारे अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा और नए भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इमाम कमीशन के द्वारा ही इस दक्कन क्षेत्र में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। इस नई भू राजस्व व्यवस्था से वहाँ के जो कर था, लगान था, अदायगी थी, उसे बढ़ा दिया गया। इससे भी इस दक्कन क्षेत्र की जनता त्रस्त हुई और आखिरकार विद्रोह का कारण बनी। पर एक मुख्य बात यह है कि 1857 के विद्रोह के समय इस दक्कन क्षेत्र में विद्रोह नहीं देखा गया। हाँ, कह सकते हैं कि दक्कन क्षेत्र के रहने वाले मुख्य, कह सकते हैं दक्कन क्षेत्र में रहने वाले जो कानपुर के हम जानते हैं कि दक्कन के क्षेत्र में रहने वाले मराठों साम्राज्य का जो आधिपत्य था, वह धीरे धीरे व्याप्त होते हुए वहाँ के जो नाना साहेब थे उनके अधिकार में चला गया। नाना साहेब इस दक्कन क्षेत्र में रहते थे, पर वह यहाँ से निष्कासित कर दिए गए और आखिरकार कानपुर अपना अधिकार जमाने निकल गए और कानपुर क्षेत्र में ही विद्रोह हुआ। दक्कन में रहते थे नाना साहेब, पर उसे यहाँ से स्थगित कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया और कानपुर रहने चले गए। जो 1857 क्रांतिक समय जो मुख्य कारण था, वो दक्कन का जो क्षेत्र था, वह इस क्रांति से हमेशा बचा रहा। इसका कारण यह भी रहा कि वहाँ नाना साहेब का ना होना, क्योंकि मराठा साम्राज्य में जो व्यवस्था चली थी मराठों की, उस व्यवस्था में नाना साहब को यहाँ से हटाकर यहाँ स्थापित कर दिया गया था। तो अब हम जान चुके हैं कि इमाम कमीशन के द्वारा दक्कन के सभी किसानों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी या फिर किसी प्रकार की जो व्यवस्था लागू थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस कारण दक्कन के जो किसान थे वह भी त्रस्त हो चुके थे, बहुत ही अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर कर चुके थे। पर इसका मुख्य यह अध्याय भी रहा कि 1857 की क्रांति के समय दक्कन का क्षेत्र इस क्रांति से अछूता रहा। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में हम पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय इससे पहले भी अनेक भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई भारत विजय के प्रभाव के बाद। जैसे कि हमने देखा है रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त, और इसके साथ में और भी जैसे तिनखटिया प्रथा, ताल्लुकदारी प्रथा और इन व्यवस्था को लागू किया गया। इस क्षेत्र से किसानों, जो ब्रिटिश भारत में रहने वाले किसान थे, उन किसानों पर अत्यधिक लगान लगा दिया गया। जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, फिर स्थाई बंदोबस्त और फिर महालवाड़ी लागू की गई। रैयतवाड़ी का जो क्षेत्र उन्होंने रखा, उसका था 30% भू राजस्व वसूलना। स्थायी बंदोबस्त में उन्होंने तो हद ही कर दी, सीधा 10/11 भाग अपना लिया। और महालवाड़ी प्रथा में उन्होंने दो व्यवस्था लागू की, यदि जमींदार कर वसूल करे तो वो 33% करेगा, और यदि वहाँ का महाल अर्थात सरपंच या फिर मुखिया वसूल करे कर, तो वह 90% होगा। इस व्यवस्था ने भी किसानों और वहाँ के जो मजदूर वर्ग था उसमें त्राही उत्पन्न कर दी। इससे जो कंपनी खिलाफ था, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग बहुत ही घृणा करने लगा और आखिरकार वह भी इंतजार करने लगा कि कोई उन्हें एक मौका दे ताकि वो कंपनी खिलाफ खड़े हो। और 1857 क्रांति के द्वारा उन्हें एक मौका प्राप्त होता है। इस तरह लगान दर बढ़ना भी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा। निर्यात पर अत्यधिक कर। अब हम देख चुके हैं कि जो भारत का जो रेशमी कपड़ों व्यापार था, सूती वस्त्रों व्यापार था, वह कंपनी के आगमन से पूर्व बहुत अत्यधिक फल फूल रहा था। कंपनी के आगमन के बाद अधिकतर जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ तक तो जब कंपनी अपना राज्य स्थापित कर सकी तब तक भी व्यापार बिल्कुल चलता रहा अच्छे ढंग से। पर जब कंपनी ने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और सारे समुद्री जो घाट है इस पर कब्जा कर लिया, पूरे समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लिया, तब उसने क्या किया कि जो भारत से निर्यात होता था, जो भी कपड़ा इंग्लैंड जाता था उसकी मांग बहुत अत्यधिक होती थी, क्योंकि यहाँ के जो कपड़े बनते थे बहुत ही गर्म होते थे और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठंड के कारण यहाँ के जो वस्त्र होते हैं उनकी मांग बहुत बढ़ती है। इस मांग को रोकने के लिए, क्यों
क्योंकि कंपनी के जो वस्त्र होते थे वह बहुत ही कह सकते हैं कि गर्मीदायक ना होते थे, बिल्कुल एक नाम मात्र के होते थे, जो बहुत ही फट भी जाते जल्दी और टिकाऊ भी ना होते थे, कोई शरीर को गर्मी प्रदान नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने जो भारत का रेशमी व्यापार था, साथ ही सूती व्यापार, कपड़ों व्यापार था, उस पर अत्यधिक कर लगा दिया निर्यात कर, ताकि क्या हो, यदि यहाँ से यदि कोई निर्यात हो रहा है इंग्लैंड के लिए जा रहा है तो यहाँ पर कर लगा दिया उन्होंने, और इधर भी जब कोई व्यापार के लिए जाता है तो इस पर भी कर लगा दिया, अर्थात पूरे समुद्र मार्ग पर उन्होंने कब्जा कर लिया और निर्यात पर कर लगा दिया कि ब्रिटेन या फिर अन्य किसी भी देश में यदि भारत का सूती वस्त्र जाता है तो वह अत्यधिक कर के कारण वह ना जा पाए, क्योंकि कर लगेगा तो वह कर की वसूली के लिए जो व्यापारी होंगे वो क्या करेंगे, उस देश में जाकर अपने कपड़े को और अत्यधिक मूल्य पर बेचेंगे, अत्यधिक मूल्य पर बेचने के कारण वहाँ के जो निवासी होंगे, जहाँ पर उन्होंने वस्त्र बेचने के लिए गए लेकर गए, वहाँ के निवासी क्या करेंगे, उस वस्त्र को नहीं खरीदेंगे कि मूल्य बहुत अधिक है, हमारे यहाँ का वस्त्र ठीक है, सस्ता है, हम इसे ही खरीदेंगे। इस कारण क्या करते थे वह कि निर्यात कर उन्होंने बढ़ा दिया, ताकि व्यापारी अपनी जो लागत मूल्य उसे बढ़ा दे, लागत मूल्य बढ़ने से उनका व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगे, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो कंपनी स्वतः ही बंद हो जाएगी, और इस तरह भारतीय जो कंपनियां उद्योग वह बंद होते चले गए, और आखिरकार क्या हुआ, पूरे ब्रिटिश जो भारत था उस पर जो ब्रिटिश की कंपनियां थी वो काबिज हो गई। इस तरह हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए, देख सकते हैं 1857 क्रांति के लिए किसान ने मजदूर वर्ग नहीं बल्कि वहां के उद्योगपति व्यापारी वर्ग भी संघर्ष कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनकी व्यापारिक औद्योगिक सारी गतिविधियों को अंत कर दिया गया था निर्यात इत्यादि कर बढ़ाकर। आप देखते हैं 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। जैसे हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय अत्यधिक सुधार हुए, बहुत से प्रत्यक्ष सुधार हुए, बहुत से अप्रत्यक्ष सुधार हुए, या फिर कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो भी सुधार किए वो केवल ब्रिटिश शासन को अपने लायक बनाने के लिए किए, पर ये प्रभाव किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता को बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे थे। उसी में एक था 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम। 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम के द्वारा ताल्लुक अधिकारों का अंत कर दिया गया। 1856 अर्थात कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो इस क्षेत्र में 1856 तक, इस पूरे क्षेत्र में काबिज हो चुकी थी। इस पूरे क्षेत्र पर 1856 तक ब्रिटिश कंपनी काबिज हो चुकी थी। अभी हमने पहले देख चुके इमाम कमीशन ने केवल दक्कन, इमाम कमीशन जो था वो केवल दक्कन में ही ताल्लुकदारों, किसानों और रैयतों के अधिकार को समाप्त करता है, पर 1856 तक कंपनी का अधिकार पूरे भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र पर, कह सकते पूरे मुगल क्षेत्र पर हो चुका था, मुगल क्षेत्र से भी ज्यादा कह सकते मराठा साम्राज्य, क्योंकि मुगल में तो मराठा आते ही नहीं, पर उन्होंने मराठा साम्राज्य, मैसूर, कर्नाटक, अवध, पूरा दिल्ली सिंहासन, गुजरात, बंगाल, और साथ ही यदि हम और सीमाओं को देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर भी काबिज हो चुके थे। हाँ, प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं हुई थी, पर अप्रत्यक्ष रूप से वे धीरे धीरे बर्मा और नेपाल पर भी काबिज हो रहे थे। इस तरह 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम ने इस पूरे ब्रिटिश कंपनी के पूरे भूमि क्षेत्र में ताल्लुकदारों, अधिकारों, रैयतों को अधिकारों को समाप्त कर दिया, और घोषणा कर दी कि अब नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत नए कर लगाए जाएंगे, नए जो जागीरदारी व्यवस्था है उसे लागू किया जाएगा, नए ताल्लुकों को लागू किया रखा जाएगा, नई बिचौलियों को स्थापित किया जाएगा जो कंपनी के ही होंगे और कंपनी के पक्ष में ही हमेशा अपना मत देंगे। अब हम देखते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण। हम पहले देख चुके हैं राजनीतिक कारण, राजनीतिक अर्थात जो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ की, जो नए नए अध्यादेश, नए संधियां, घोषणाएं लागू की, वो भी मुख्य कारण रहे क्रांति के। विलेजेरिक सहायक संधि, डलोजी की घोषणा, व्यक्तिगत सिद्धांत, इमाम कमीशन। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण लगान दर का बढ़ना, निर्यात पर अत्यधिक कर होना, 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम के द्वारा पूरे ब्रिटिश
भारत में ताल्लुकों के अधिकारों का अंत कर दिया गया, अर्थात नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, नई कर व्यवस्था लागू की गई, नए ताल्लुकों की स्थापना की गई और साथ ही नए प्रकार के जो जागीरदार व्यवस्था थी उसे स्थापित किया गया, जो केवल और केवल ब्रिटिश के जो ब्रिटिश कंपनी थी उसी के अपने पक्ष में रखती थी और उसी की तरफ अपना मत डालती थी। अब हम देखते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति के। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, कंपनी स्थापित होने के बाद से ही, कंपनी जब 1765 में 64 में बक्सर युद्ध हुआ और 65 में सहायक अपने इलाहाबाद की संधि स्थापित की गई बादशाह के साथ और अवध के नवाब के साथ, तभी से संसद जो ब्रिटिश संसद थी उसमें मांग होने लगी कि कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया जाए, ईसाई धर्म प्रचारों को वहाँ परमिट दी जाए धर्म प्रचार के लिए। पर इस कंपनी ने इस बात को ना माना, क्योंकि कंपनी कहना था नहीं हम इसी किसी प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मानना था 1856 और 1800 ईस्वी तक लगभग कंपनी का यही मानना था कि हम केवल व्यापार करने आए, हमारा किसी प्रकार से यहाँ अपना शासन स्थापित करना नहीं उद्देश्य है। इस कारण उन्होंने केवल व्यापार के लिए, इसलिए संसद की अनुमति को उन्होंने निरस्त या घोषित नहीं होने दिया कभी, पर व्यापारिक कंपनी बनकर रही। पर 1800 के आते आते आखिरकार कंपनी धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों को धार्मिक प्रताड़ना देने लगी या फिर धर्म परिवर्तन कराने लगी। क्यों? ताकि ये हमारे धर्म के साथ जुड़े और हमारे धर्म से जुड़ने के साथ ही हमारे रीति रिवाज को अपना, इससे हमें फायदा होगा, हमारे व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ने में मदद होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने भी 1856 में 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया। इससे पहले भी संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट को पारित किया था, पर 1813 में संसद ने ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए और भारत में उसे परमिट देने के लिए, भारत में उसकी प्रचार की अनुमति देने के लिए अधिनियम पारित किया और यहाँ के गवर्नर को आदेश दिया, भारत के गवर्नर जो ब्रिटिश कंपनी गवर्नर था उसे आदेश दिया कि आप 1813 के चार्टर एक्ट के जो उपबंध है उसे वहाँ लागू करें, अन्यथा आपकी कंपनी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और कंपनी यह नहीं चाहती थी कि उसकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाए, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही वह केवल ब्रिटिश संसद और ब्रिटेन से ही लगाव रखती थी, उसे भारत से कोई लगाव नहीं था। वह भारत में केवल व्यापार के लिए आए थे और उसका उद्देश्य यही था कि हम किसी भी तरह भारत में अपना व्यापारिक उद्देश्य प्राप्त करें और भारत की जो पूंजी है उसे ब्रिटेन के हित में लगाएं। इसी कारण 1813 के चार्टर एक्ट को जो यहाँ के गवर्नर थे उन्होंने बहुत कठोरता से लागू किया और लागू करने के साथ ही और उसके साथ और बहुत से अपने यहाँ के अधिनियम और कानून पारित कर दिए, ताकि वहाँ की संसद को लगे नहीं नहीं अब तो कंपनी बिल्कुल हमारे फेवर में चल रही है, हमारे खिलाफ नहीं है। इसी के साथ 1813 चार्टर एक्ट को और मजबूत करने के लिए ही कंपनी ने भारत में 1856 का धार्मिक निरोगता अधिनियम पारित किया। 1856 का धार्मिक निरोगता अधिनियम मुख्य कारण गिना जाता है 1857 क्रांति में। 1856 के धर्म निरुत्ता अधिनियम के द्वारा कंपनी ने यह व्यवस्था की, कंपनी ने व्यवस्था की कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले होंगे ईसाइयों को भूमि का अधिकार होगा, भूमि का अधिकार होगा और साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी उनसे किसी प्रकार भूमि कर भी नहीं वसूला जाएगा, भूमि कर नहीं लिया जाएगा। ।1856 का धार्मिक निरोगता अधिनियम ने यह घोषणा कर दी ईसाइयों को भूमि का अधिकार होगा, भूमि कर नहीं लिया जाएगा, अर्थात जो कंपनी थी उसने प्रत्यक्ष रूप से भारत के जो निवासी थे उन्हें यह नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन करके हमारे धर्म में जाओ, पर इस नियम के द्वारा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा कर दी कि जो ईसाई होगा वह
जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा वह भूमि का अधिकारी होगा, भूमि कर से मुक्त किया जाएगा। और इसी के कारण अनेकों बहुत से विरोध हुए, बहुत से प्रदर्शन हुए, और इस 1856 में जो धर्म निरपेक्ष अधिनियम पारित हुआ था उसके बाद मात्र एक वर्ष के अंदर ही 1857 क्रांति उत्पन्न हो जाती है। यह मुख्य कारण गिना जा सकता है 1857 की क्रांति का, क्योंकि इससे अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक उन्माद उत्पन्न किया, धार्मिक धर्म परिवर्तन की ओर प्रवृत्त हुए। अब हम देखते हैं कि अगला कारण क्या रहा, उसी से निकारण 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। 1856, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी ने भारत की आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं, या फिर जो कंपनी शासन स्थापित करने में मुख्यतः भूमिका निभाई वो लॉर्ड डलहौजी था। अनेकों व्यवस्था लागू की उसने, परिवहन व्यवस्था लागू की, उसके साथ अनेकों कानून बनाए, अनेक शासन बनाए। उसी ने 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम लागू किया, इमाम कमीशन लागू किया, 1856 का धार्मिक निरुक्ता अधिनियम लागू किया, और उसके साथ उसने 1854 का डाकघर अधिनियम और 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम भी पारित किया। 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ने घोषणा कर दी कि जो सैनिक होंगे उसे समुद्री रास्ते से समुद्र के पार भी जाना होगा किसी भी युद्ध के लिए। तो इस घोषणा ने भी, इस अधिनियम ने, अधिनियम जो पारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने, इसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विद्रोह में। क्योंकि उसने जो हिंदू धर्म था उसमें समुद्र के पार जाना धर्म भ्रष्ट माना जाता था। उनका मानना था कि समुद्र के पार हम जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस अधिनियम से जो कंपनी के सैनिक थे वो बहुत ही विद्रोही स्वभाव के हो गए, बहुत ही गुस्सेल स्वभाव के हो गए कि नहीं, कंपनी हमारे खिलाफ कर रही है, हमारे धर्म के खिलाफ, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ 1854 का डाकघर अधिनियम भी पारित किया गया। 1854 के डाकघर अधिनियम की भी यही मुख्य विशेषता थी कि उसने सेना को जो निशुल्क डाक सेवा प्राप्त थी, सेना को उसे समाप्त कर दिया। अर्थात आप सेना या सैनिक को भी यदि डाक सेवा या डाक पत्र भेजना है अपने परिवारों को तो उन्हें भी शुल्क देना होगा। अब वो शुल्क कहाँ से दे, इतना तो उनकी आमदनी भी नहीं होती है कि वो शुल्क को अदा कर दे। केवल कह सकते हैं कि केवल सैनिक को एक बेकारी रूप में काम करवाना बस, यदि वो पत्र भेजेंगे अपने परिवार को तो शुल्क ले लिया जाएगा, और शुल्क इतना लिया जाएगा जितने तो उनकी वेतन भी नहीं दिया जाता। अर्थात वह 4 महीने 6 महीने 7 महीने में अपने वेतन को इकट्ठा करे तो वह एक बार पत्र भेजेगा उतने में वो वेतन समाप्त हो जाएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा 1854 का डाकघर अधिनियम ने भी सेना और सैनिक विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। अब आगे तत्कालिक कारण ब्राउन बेस इनफील्ड राइफल, और सेकेंड है अंग्रेजों की नस्लवादी नीति। ब्राउन बेस, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तभी से अधिक लेकर 1856 तक, 1856 तक जनवरी 1856 तक ब्राउन बेस का यूज होता था। ब्राउन बेस अर्थात यह डायरेक्ट, जैसे कि गोली चलती है उसमें गोली लगाओ डायरेक्ट वह फायर हो जाता है, पर 1856 के बाद, जनवरी 1856 के बाद एनफील्ड राइफल नहीं आयात की गई। यह कह सकते हैं कि यह तत्कालिक कारण माना जाता है इनफील्ड राइफल को। इनफील्ड राइफल में यह अफवाह फैली थी कि यह गाय और चर्बी, सुअर की चर्बी से मिली हुई है। इस अफवाह ने ही जो सैनिक विद्रोह था उसे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। हाँ, कह सकते हैं कि उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो इसी प्रकार से कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हुए सरकारी कि इसमें सच में गाय और सुअर की चर्बी के ये कारतूस बने थे, पर उन्होंने अफवाह फैली। जो मुस्लिम धर्म होते हैं, मुस्लिमों में सुअर को पवित्र माना जाता है और हिंदुओं में गाय को, तो इन दोनों धर्म के ही अधिकतर लोग उस समय ब्रिटिश कंपनी के सैनिक थे। इन लोगों ने घोषणा कर दी कि नहीं, हम एनफील्ड राइफल का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चर्बी मिली हुई है गाय और सुअर की। इस कारण ही
उन्होंने इस जो एनफील्ड थे उसका उपयोग नहीं करने की घोषणा कर दी और आखिरकार जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके और भी कारण कह सकते कि अंग्रेजों की नस्लवादी नीति भी इसका प्रमुख कारण रही। अंग्रेजों को एक नीति थी कि वह अपने नस्ल अर्थात अपने नस्ल अंग्रेजी व अंग्रेजी या फिर श्वेतो या श्वेत नीति को ही वह महत्व देते थे। अंग्रेजों या फिर श्वेतों को ही वह महत्व देते थे अर्थात जो उनके जैसे हैं जो उनका धर्म के हैं उन्हें वो महत्व देती थी। उन्हें अधिक वेतन दिया जाता था, उन्हें उच्च पद दिए जाते थे सैनिकों में और साथ ही उन्हें अधिक अधिक सुविधा दी जाती थी और उन्हें किसी प्रकार की अन्य डाकघर या अधिनियम के तहत जिस तरह भारतीय सैनिकों पर निःशुल्क व्यवस्था को समाप्त किया गया वैसे ही यहाँ की जो श्वेत अंग्रेज सैनिक थे उसे इस व्यवस्था से अलग रखा गया अर्थात उन्हें निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की नस्लवादी नीति थी नस्ल भेदभाव अर्थात भारतीय सैनिक और ब्रिटेन सैनिक वह भी तत्कालीन कारणों में मुख्य रही जो 1857 के विद्रोह का कारण रही। अब हम देखते हैं 1857 विद्रोह के कारण को एक बार पुनः। राजनीतिक कारण वेलेजली की सहायक संधि नीति 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को प्रारंभ किया यह राजनीतिक कारणों में मुख्य रही है। डलहौजी की घोषणा 1849 लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा कर दी थी कि जो मुगल बादशाह है वह अपने लाल किले से लेकर लाल किले से स्थगित होकर कहाँ चले जाएंगे कुतुब मीनार में। इस घोषणा ने भी भारतीय जनता में अशांति उत्पन्न की क्योंकि उनका मानना था कि जो मुगल बादशाह है वह जब तक सुरक्षित तब तक हम सुरक्षित हैं। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत और इमाम कमीशन व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प किसी राज्य को किसी प्रकार का आरोप लगाकर हड़प लेना। इमाम कमीशन अर्थात दक्कन में ताल्लुकदारों किसानों के अधिकारों को समाप्त किया गया। आर्थिक कारण लगान दर बढ़ना जब ब्रिटिश कंपनी अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में भारत को लेकर चली तब उसने लगान दर को बढ़ा दिया। निर्यात पर अत्यधिक कर लगा दिया। निर्यात जो निर्यात था भारतीय व्यापार को बंद करने के लिए खत्म करने के लिए उसने निर्यात बढ़ा दिया ताकि व्यापारियों का अंत हो जाए और ब्रिटेन जो कंपनी व्यापारी वह फल फूले। 1856 का भूमि प्रबंधन अधिनियम 1856 के भूमि प्रबंधन अधिनियम ने पूरे क्षेत्र में लागू किया गया अर्थात पूरे ताल्लुकदार अधिनियम किसानों या फिर जो जागीरदार थे उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। धार्मिक और सामाजिक कारण इसमें ईसाई धर्म का प्रचार 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे दी गई। 1856 का धार्मिक निरोगता अधिनियम जिसके द्वारा यह निरोगता रखी गई 1856 के धार्मिक निरोगता अधिनियम के द्वारा कि किसी भी प्रकार से जो कंपनी के जो ईसाई धर्म को मानने वाले होंगे उन्हें अधिकार होगा। इस तरह उन्होंने धार्मिक प्रताड़ना और धार्मिक बदलाव या फिर कहे तो धर्मांतरण की व्यवस्था को लागू किया। सैनिक कारण 1856 का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम और 1854 का डाकघर अधिनियम सैनिक कारणों में गिने जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही सेना संबंधित है। इसमें सेना के जो सैनिक होंगे भारतीय सैनिक उन्हें समुद्र के पार ले जाना और 1854 में जो सेना की निःशुल्क डाक सेवा थी उसे समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन कारणों में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का यूज अंग्रेजों की नस्लवादी नीति तत्कालीन कारणों में गिनी जाती है। इस तरह हम देख चुके हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण रहे। अब हमें पता है कि कंपनी के भारत विजय के बाद किस तरह की व्यवस्था लागू की गई और 1857 विद्रोह के क्या कारण रहे। यदि आपको किसी प्रकार से उत्तर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हो। पहले वाले जो वीडियो हमने बनाया है 1857 के विजय के बाद भारत पर जो विजय के बाद प्रभाव किए शासन व्यवस्था लागू की उसे और 1857 विद्रोह को कारणों को एक किया जा सकता है। इस तरह अब हम जान चुके हैं कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण वो क्या रहे। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति कहाँ से उत्पन्न हुई और किस तरह वह इस पूरे क्षेत्र में बिहार बंगाल के इस पश्चिम क्षेत्र बिहार मध्य भारत पंजाब के पश्चिम क्षेत्र दिल्ली और दक्षिण के उत्तरी क्षेत्र में किस तरह फैली इसका वर्णन हम 1857 की क्रांति में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।